तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसा होने वाला है। ओके, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही भाई इफ़ेक्टिव होने वाला, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ कोई भी इग्नोर मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों का रिव्यू, दोनों की अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो भाई वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा क्या होने वाला है। ओके, और इसमें कैसे क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस एलईडी का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये एलईडी कैसे क्या होने वाली है, कैसे क्या आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप एक बेस्ट एलईडी बाय करना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इफ़ेक्टिव होने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई कि मैं एक नया यूट्यूबर हूं, तो आप सभी से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना, बिकॉज मेरा थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए उसके बाद मैं खुद प्रोडक्ट को बाई करके रिव्यू अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कोई भी इग्नोर मत करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, होप है आप सभी लोग समझते हो। तो भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि फ्यूचर में मेरा कितना भी चैनल ग्रो हो जाए मैं किसी भी ब्रांड से घुस कमीशन नहीं लूँगा, रियल रिव्यू रियल अनबॉक्सिंग करूँगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सभी का सपोर्ट चाहिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आपको देखने को मिला है कि इस एलईडी का लुक आपको काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है, फुल स्क्रीन में देखने को मिल जाता है, फ्रेमलेस देखने को मिल जाता है, और ये एक एंड्रॉइड एलईडी होने वाली है। ओके, लुक काफ़ी बेस्ट होने वाला है, पिक्चर्स क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होने वाली है। ओके, बात करें इसके साउंड के आउटपुट की, तो आपको 36 वाट का साउंड का आउटपुट देखने को मिल जाता है, तो भाई काफ़ी बेस्ट होने वाला है। इसमें आपको 2GB का रैम, 16GB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। ओके, तो भाई काफ़ी बेस्ट ही एलईडी होने वाली है, 2GB का आपको रैम भी देखने को मिल जाता है, 16GB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, कीवेट कोर का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। ओके, और आप इसको बाई कर सकते हो, भाई काफ़ी बेस्ट ये एलईडी होने वाली है, डिज़ाइन भी काफ़ी बेस्ट होने वाला है, लुक भी काफ़ी बेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये देखो भाई, ये देखो, और ये 55 इंच की होने वाली है, 55 इंच की होने वाली है, साथ ही साथ इसमें आपको बहुत से चैनल और गेम भी देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके मॉडल नेम की, तो इसका मॉडल नेम होने वाला है इन्फिनिक्स जीरो। ओके, इन्फिनिक्स जीरो 55 इंच की ये एलईडी होने वाली है फ्रेंड्स, 4K। ओके, वो भी एंड्रॉइड। बात करें इसकी MRP की, तो 35,999 रुपये इसकी MRP होने वाली है, जो भाई लो MRP नहीं है, MRP हाई है, बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ओके, और इसकी MRP कोई फिक्स नहीं रहती, ऑलवेज की इतनी MRP इसकी हमेशा फिक्स ही रहेगी भाई, ये भी प्लस माइनस होती रहती है। यहाँ पे आपको 35,999 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 34,499 रुपये देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी MRP प्लस माइनस होती रहती है 3-4 हज़ार रुपये। ओके, तो फ्रेंड्स, इसमें आपको चैनल गेम बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, यूट्यूब, आर्ट बालाजी, जियो सिनेमा, मैक्स प्लेयर, और भी बहुत सारे चैनल और गेम भी आपको इनबिल्ट इसमें देखने को मिल जाते हैं। गूगल असिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है, मेमोरी कार्ड, टीएप कार्ड, पिन ड्राइव भी आप इसमें लगा सकते हो। ओके, और आप HDMI भी लगा सकते हो। 36 वाट का इसका साउंड का आउटपुट होने वाला है, तो भाई एलईडी बेस्ट होने वाली है। ओके, और बट इसकी MRP भाई ज़्यादा है, 35,000 रुपये की। ओके, तो इसकी जो पिक्चर्स क्वालिटी होने वाली, ये देखो कुछ ऐसी पिक्चर्स क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। ये देखो भाई, ये देखो जो काफ़ी बेस्ट होने वाली है। ओके, ये देखो भाई, ओके, काफ़ी बेस्ट होने वाली है, और अगर आप इसको बाई करते हो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज भी करने वाले हो, क्रिकेट वगैरह सब कुछ आप वॉच कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कॉमेंट है, तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पॉकेट में इतना बैलेंस नहीं रहता है भाई कि आप इस एलईडी को बाई कर सको। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई दूसरी एलईडी बाई कर सकते हो, लाइक 32 इंच की बाई कर सकते हो, या कोई दूसरी किसी दूसरे ब्रांड की बाई कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगी कंपेयर देन इस एलईडी से। ओके, क्योंकि भाई इसकी MRP ज़्यादा होने वाली है, तो अगर आपके पास पैसा आने का काफ़ी अच्छा खासा सोर्स है, बिजनेस है, तो आप इसको बाई करना। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो भाई
आप कोई दूसरी बाई कर लेना। ओके, अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई कमेंट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो प्लीज़ कमेंट भी मुझे ज़रूर करना, मैं उसका आंसर वहीं पे करूँगा, अदरवाइज उस पे भी एक वीडियो बना दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतना ही है, और आपको इसमें गूगल प्ले स्टोर भी देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप कोई भी ऐप आप इसमें इंस्टॉल भी कर सकते हो। ओके, तो भाई काफ़ी बेस्ट LED होने वाली है। सो गुड लुक ऑफ ऑल, जय हिंद। और भाई कोई डाउट है तो कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लुक, टेक केयर, जय हिंद, बाय।